हेलो एंड वेलकम टू न्यूज क्लिक। नमस्कार, आदाब। आज मेरे साथ अहमदाबाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर रीतिका खेरा। रीतिका जी, धन्यवाद, आपने आपका कीमती समय न्यूज क्लिक को आपने दिया। कुछ दिनों से हम देख रहे लाखों करोड़ों जो प्रवासी मजदूर जो शहर छोड़ के अपना ग्राम, अपना ग्रामीण इलाका में, अपने गांव में वापस चले गए हैं, सौ मीलों हजारों मीलों पैदल जाके, महिला बुजुर्ग व्यक्ति बच्चों को लेके, अपने बोरी बिस्तर लेके चले गए हैं। तो इन लोग अभी ग्रामीण इलाके में बहुत लोग पहुंच गए हैं। पूरा हमारे जो ग्रामीण इलाका में जो अर्थव्यवस्था है उसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि इन लोग ग्रामीण इलाका छोड़ के शहर में आया क्यों? यहाँ पे काम के लिए, रोजगार के लिए, कोई मकान बना रहे थे, कोई कुछ और कर रहे थे। तो ये जो इतने लोग जो इंटरनल माइग्रेशन हुआ, जो प्रवासी मजदूर ग्रामीण इलाका, इसका क्या अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्या असर पड़ेगा? तीन तरह के प्रवासी मजदूर अभी जिनकी हमें बात करना है, उनकी उसकी जरूरत है। एक तो ऐसे थे जो शहर में थे और वो जैसे सबने देखा भागे अपने गांव की तरफ। कुछ लोग गांव पहुंच गए, कुछ शायद रास्ते में हैं, और कुछ हैं जो नहीं निकले। जैसे अगर बिहार और झारखंड का मजदूर है जो तमिलनाडु या कर्नाटका में था या केरल में थे, उनके लिए ये कल्पना भी मतलब मेरे लिए 500 किलोमीटर 200 किलोमीटर चल के जाना, ये भी कल्पना करना मुश्किल है कि लोग ऐसे इतना हड़बड़ा जाएंगे कि उनको लगेगा कि हम इतना भी चल लेते हैं। लेकिन दक्षिण के जो राज्य हैं वहां से चल के निकलना मुश्किल था, इसलिए बहुत ऐसे मजदूर हैं जो वहां पर हैं। तीनों की हालत बहुत नाजुक है। हमें बहुत सारी फोन कॉल्स आ रही है कि झुंड के झुंड, कहीं 5 है कहीं 50 है, कि हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं, हमारा जो कंपनी का मालिक है उसने रहने की जगह शायद कहा है बेशक रहो, लेकिन उनके लिए खाने पीने की बहुत दिक्कत हो रही है और हाथ में पैसा न होने की वजह से पानी भी नहीं, पीने का पानी भी नहीं खरीद पा रहे। दूसरे ये हैं जो शायद अभी रास्ते में है या गांव पहुंच गए हैं, वो भी काफी बुरे हाल में है, क्योंकि हमें ये भी सुनने में आ रहा है कि जो एकदम निकल पड़े उनका जो ठेकेदार था उन्होंने भी 1-2 महीने की अभी मजदूरी नहीं दी है, तो बहुत मुश्किल से एक तो वो घर पहुंचे और दूसरा अब जो पहुंच गए हैं तो उनके भी हाथ में पैसा नहीं है। तीनों तरह के मजदूर आप समझ सकते हैं बहुत नाजुक स्थिति में हैं। उनके लिए दोनों चीज करने की जरूरत है, उनको एक तो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की जरूरत है और दूसरा उनके लिए किसी ना किसी तरह का कैश ट्रांसफर, नकद देना भी उनको जरूरी है। इसके बारे में शायद आगे बात कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में देखिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और शहरी अर्थव्यवस्था को कुछ हद तक हम अलग कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं। जैसे आपने कहा, वो गांव इसीलिए छोड़े थे क्योंकि वहां पर उनके पास कोई उपाय नहीं था, उनके पास कोई विकल्प नहीं था, काम नहीं मिल रहा था, कमाई नहीं कर पा रहे थे। अब वही लोग जो कमाने बाहर गए वो उल्टा घर लौट आए हैं। दूसरा ये भी है कि ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्र भी इस समय पलायन होता है, क्योंकि ये गेहूं कटाई का समय है। तो बुंदेलखंड के रीजन में और बिहार, झारखंड से बिहार बहुत मजदूर जाता था, तो इस समय कटाई में शामिल होते हैं, वो बिना जमीन वाले खेतीहर मजदूर हैं जो कुछ महीनों तक की कमाई इस समय में करते थे। वो भी अभी घबराए हुए हैं क्योंकि वो नहीं जा सकते, क्योंकि उनको डर है कि उनकी पिटाई हो जाएगी या बीमारी का भी डर है। इस विषय के ऊपर मैं आपसे विस्तार से और 2-3 सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। देखिए, कुछ सालों से जो मनरेगा है, जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय जो ग्रामीण इलाका में रोजगार के लिए जो गारंटी का जो कार्यक्रम है, मनरेगा है, ये ठीक तरह से काम नहीं कर रहा। और 9 अप्रैल भारतीय रिजर्व बैंक का मौद्रिक पॉलिसी का रिपोर्ट, मॉनेटरी पॉलिसी का जो रिपोर्ट है, उसमें एक
पैराग्राफ में पढ़ के सुना रहा हूं आपको. इन रीसेंट ईयर्स मनरेगा डज नॉट सीम टू सपोर्ट रूरल इनकम्स मच ड्यू टू डिलेड वेज पेमेंट्स लोअर वेजेस एंड इनसफिशियंट बजटरी एलोकेशंस. देन देयर इज अ रेफरेंस टू द periodic labor force survey of the National Statistical Office, which was came out in May 2019, and it's saying that the wages under MNREGA are lower than the market wage rate for non-public work by 74% for rural men and 21% for rural women. Iska matlab hai Bharatiya Reserve Bank keh raha hai ki theek tarah se jo MNREGA hum soch rahe the ki logo ko vetan बढ़ाएं अब अच्छे वेतन मिलेगा नहीं मिल रहे, वेतन देर करके मिल रहे हैं और सरकार पैसा नहीं दे रहे राज्य सरकार को और जो भी वेतन मिल रहे हैं वो भी कम है और अगर और कहीं भी उन्होंने काम करेंगे तो उसका वेतन ज्यादा हो जाए. तो ये पूरा जो कार्यक्रम मनरेगा सोचे थे कि ग्रामीण इलाका से जो पलायन होता है शहरी इलाका में इस समय नहीं, जिस समय फसल जैसे रबी फसल का आपने कहा इस समय इसका हार्वेस्टिंग का सीजन है, मगर अगर आप पूरा जो बिग पिक्चर अगर देखेंगे जो बड़ा छवि अगर देखेंगे क्या होगा अभी ये मनरेगा जो कार्यक्रम है ये जो ग्रामीण इलाका में जो लाखों करोड़ों जो प्रवासी मजदूर पहुंच गए उन लोग के लिए कोई सामने कोई भविष्य है? ये मनरेगा कार्यक्रम उनको मदद कर सकते हैं कुछ, उन्होंने काम करके कुछ उनको कमाई हो सकती है? जी, जो आपका सवाल है उसका मैं दो हिस्सों में जवाब दूंगी. एक तो ये कि मनरेगा की क्या स्थिति है और दूसरा ये कि आज की स्थिति में जब कोरोना वायरस फैला हुआ है उसमें ये क्या अभी भूमिका निभा सकता है. तो पहले जैसे आपने कहा जो आरबीआई की रिपोर्ट है वो बहुत सही है कि मनरेगा की तरफ सरकारों की उदासीनता की वजह से ये पिछले आठ एक साल से मैं कहूंगी इसकी क्रियान्वयन में बहुत दिक्कतें आ रही हैं. ये जो उदासीनता है न केवल अभी जो भाजपा वाली सरकारें हैं दो उसी की प्रॉब्लम नहीं है, उससे पहले की प्रॉब्लम है कि इसमें अलग अलग तरह के प्रयोग करने लगे और एक तरह से उसके उसको बहुत ज्यादा लाद दिया गया कि किसी का भी कोई भी नया आइडिया आता था तो कहते कि नरेगा के थ्रू हम इसको इम्प्लीमेंट करते. सबसे बड़ा नुकसान या सबसे बड़ा नहीं लेकिन काफी बड़ा नुकसान आधार की वजह से हुआ है क्योंकि उस समय जब यूपीए 2 की सरकार थी तब इन्होंने जो बैंकिंग सिस्टम में आधार जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की वो आज पिछले 7-8 सालों में बढ़कर बहुत बहुत गंभीर हो गई है. बहुत सारे अकाउंट्स में जहाँ पैसा जाता था वो किसी और के अकाउंट में चला जाता है. बहुत सारी पेमेंट्स हैं जो रिजेक्ट ही हो जाती है, फेल हो जाती है क्योंकि जो आधार नंबर है या तो जॉब कार्ड के साथ मेल नहीं खाता या बैंक अकाउंट के साथ मेल नहीं खाता. तो उस वजह से बैंकिंग सिस्टम में भी बहुत दिक्कत आने लग गई है. सरकारी आंकड़ा है कि 8% लगभग जो पेमेंट जा रहे हैं वो फेल हो रहे हैं क्योंकि ये बैंकिंग सिस्टम में एक मेसअप हो गया है. दूसरी समस्या जो रिपोर्ट में भी है वो ये है कि इसकी जो मजदूरी की दर है वो बहुत कम हो गई है. हुआ ये कि कुछ सालों तक न्यूनतम मजदूरी खेतीहर की मजदूरों की जो न्यूनतम राज्यवार मजदूरी थी स्टेट वाइज वो नरेगा में भी लागू होती थी. यूपीए 2 के टाइम में इन्होंने कहा नहीं, हम जो राज्य द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी है वो नहीं देंगे, हम नरेगा की मजदूरी को अलग कर रहे हैं. और तब से लेके आज तक जो बढ़ोतरी हुई है नरेगा मजदूरी में वो केवल इतनी है कि महंगाई को ध्यान में रखते हुए थोड़ी सी वो बढ़ जाती है. तो इस साल जो फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि 20 रुपए बढ़ी है लगभग, वो एक्चुअली 20 रुपए से कम ही बढ़ी है लेकिन वो जो बढ़ोतरी हुई है वो महंगाई के लिहाज से बढ़ाई गई है. लेकिन जो प्राइवेट मार्केट में मजदूरी मिलती है वो इससे बहुत ज्यादा है, इसलिए भी लोग नरेगा की तरफ उदासीन हो गए हैं. और जब मजदूरी करते भी हैं, इतने में भी जब मजदूरी करते हैं तो उनको पेमेंट होगा कि नहीं होगा, कब होगा, इसका कोई भरोसा नहीं है. तो नरेगा नाजुक स्थिति में है और इसका बजट
अभी बहुत सालों से बढ़ाया नहीं जा रहा, हालांकि वो हमेशा कह देते हैं कि लार्जेस्ट एवर लार्जेस्ट एवर, लेकिन वास्तव में वो अगर आप देखेंगे ना आंकड़े तो वो आपको दिखेगा साफ। आज की स्थिति में नरेगा क्या कर सकता है? अभी देखिए बहुत सारे, लगभग सब, सभी नहीं लेकिन लगभग सब राज्यों में नरेगा के काम बंद हो गए हैं। इस वजह से बंद हुए हैं क्योंकि इस समय में एक साथ काम करना किसी वर्क साइट पे अपने जान को खतरा है, क्योंकि बीमारी फैल सकती है। हम फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग जो भी कर रहे हैं ताकि लोग बीमार ना हो, तो अभी लगभग वर्क साइट बंद है। इसलिए हमें ऐसे लग रहा था कि सरकार को जो ये नकद हस्तांतरण करना था वो नरेगा मजदूरों को करना चाहिए, जो उन्होंने जनधन, महिला जनधन खाताधारियों को पैसे देने का निर्णय किया है। एक तो वो पैसा बहुत कम है, 500 रुपए 3 महीने के लिए, मतलब 1500 टोटल इनको मिलेगा। नरेगा मजदूर जो है वो उससे भी कमजोर है, उसकी आर्थिक स्थिति जनधन अकाउंट होल्डर से भी कमजोर है। तो जो पैसा देना था वो उनको देना चाहिए था, मजदूरों को, ताकि जब उनको ना शहर में काम है ना गाँव में काम है नरेगा के तहत, कम से कम उनको आप 3 महीने के लिए 10-10 दिन की मजदूरी दे देते। रितिका जी, आपने अभी अभी जो कहा कैश सपोर्ट का बात किया कि सीधा सरकार जो लोग है जिसके बैंक में खाता है, जनधन खाता है, उसमें आप सीधा कैश डाल दीजिए, पैसे डाल दीजिए। और भी अर्थशास्त्री है कि इस समय कैश सपोर्ट का फायदा इतना ज्यादा नहीं मिलेगा लोगों को, और जैसे लोग कह रहे फिस्कल स्टिम्यूलस, आप वित्तीय, आप कर कम कर दीजिए, ये भी इसका असर इतना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज ये जो संकट के समय है, एक ही रास्ता है कि आप जो आपका पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसको बढ़ाइए, आप मुफ्त में खाद्यान्न और आवश्यक जो जो वस्तु है, एसेंशियल कमोडिटीज, इसका आप वितरण कीजिए मुफ्त में, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन आवश्यकता है। ये तो कैश सपोर्ट, फिस्कल स्टिमुलस, ये सब का समय अभी नहीं है, इस समय संकट का समय है। सरकार का यही एक काम है, और इसमें जरा आप और भी कहिए केंद्र सरकार का क्या भूमिका है और राज्य सरकार का क्या भूमिका है। जी, तो अच्छा हुआ आपने जन वितरण प्रणाली की, पीडीएस की बात की। इस समय जो सरकार है, एफसीआई है, उनके पास जो बफर स्टॉक के लिए जितना अनाज चाहिए उससे 3.5 गुना अनाज पड़ा है, और अभी तो गेहूं की खरीद शुरू भी नहीं हुई तभी उनके पास 3.5 गुना है। तो सबसे पहला कदम तो ये हम बिल्कुल मानते हैं कि तुरंत तुरंत जो इन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि 3 महीने तक दुगना राशन मिलेगा खाद्य सुरक्षा कानून के लाभधारियों को, वो तो बहुत बढ़िया है, एक अच्छा काम हुआ है। लेकिन दो इसमें प्रॉब्लम थी जो वित्त मंत्री ने अनाउंसमेंट की खाने के बारे में, 3 एक्चुअली। सबसे पहली ये कि जो 2/3 है वो जो कैलकुलेट किया गया है वो 2011 की जनसंख्या के आधार पे किया है, और उसकी वजह से अभी तो तब से लेके अभी तक 10 साल लगभग बीत गए हैं, तो उसमें जनसंख्या बढ़ गई है और वो जो अपडेटिंग करने की जरूरत है वो अभी तक सरकार ने नहीं की। तो इसकी वजह से बहुत सारे लाभुक छूट रहे हैं खाद्य सुरक्षा। फिर रही 1/3 उनकी बात जो पहले से ही बाहर थे, वो उनमें से भी बहुत सारे अभी नाजुक स्थिति में आ गए हैं क्योंकि उनकी कमाई बंद गई है, बंद हो गई है। जैसे आप समझिए ऑटो रिक्शा जो चलाते हैं, जिनका आमतौर पे जैसे भी करके गुजर बसर हो जाता है, लेकिन आजकल तो उसकी कमाई बिल्कुल शून्य हो गई है। तो ऐसे लोगों के लिए भी सरकार को कुछ ना कुछ करने की जरूरत थी और वो उन्होंने नहीं किया। एक तुरंत चीज वो कर सकते थे वो ये थी कि आप बड़े पैमाने पे हर राज्य को मुफ्त में अनाज दीजिए ताकि वो वहां पर कम्युनिटी किचन लंगर की तरह स्कूलों में, ब्लॉक ऑफिस में, थाने में, कहीं पर भी चलाएं, ताकि जिन जिन की नाजुक स्थिति है, चाहे शहर हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, वहां पर वो जाके अपना 5 रुपए में या फ्री में खाना खा सके। तो सबसे पहले खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात आएगी नकद की, क्योंकि लोगों को थोड़ा बहुत पैसा देना जरूरी है, और आपसे मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि खासकर जो बाहर बैठे
अर्थशास्त्री हैं वो बहुत ज्यादा नकद हस्तांतरण पे जोर दे रहे हैं, लेकिन इसमें आपको बहुत उसकी सोचने की भी जरूरत नहीं है कि इस समय में जब सप्लाई चेन में इतनी रुकावटें आ रही हैं और लोग हड़बड़ाए हुए हैं, घबराए हुए हैं, उसमें पैनिक में आकर होर्डिंग की गुंजाइश है, कुछ लोग नफाखोरी भी कर रहे हैं, इस समय में आप लोगों को पैसा देंगे भी तो उसकी क्या कीमत रह जाएगी, वो एक प्रॉब्लम है। दूसरा ये कि इस समय में खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोग पैसा कैसे निकालेंगे, वहां पे बैंक पहुंचना उनके लिए मुश्किल हो गया, वहां पुलिस उनको पीट देती है। तो दोनों प्रॉब्लम है, एक तो उसका क्या वैल्यू रह जाएगा इस समय में, और दूसरा लोग इस पैसे तक पहुंचेंगे कैसे। ग्रामीण क्षेत्र के जो बैंक ब्रांचेस हैं वहां पे वैसे ही इतनी भीड़ होती है, अगर आप बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट पे निर्भर होते हैं तो फिर वहां पे आपको अंगूठा बायोमेट्रिक लगवाना पड़ेगा, उससे फिर बीमारी फैलने का संकट बढ़ सकता है, गुंजाइश बढ़ सकती है। तो नकद हस्तांतरण कह देना बहुत आसान है, लेकिन उसको वास्तव में करना एक सोचने वाली बात है। और हमारे हिसाब से ओडिशा में एक मॉडल है जो काफी अच्छे से काम करता है, वो हमेशा से पेंशन धारकों को हर महीने की 15 तारीख को पंचायत सेक्रेटरी पंचायत भवन के बाहर एक मेला जैसे लगता है, वो सामने मेज पे बैठता है, सबका नाम बुलाता है और एक एक करके सबको पैसा दिया जाता है। तो उसी तरह से आज की स्थिति में आंगनबाड़ियों को वहां पर पंचायत सेक्रेटरी जाए और उस क्षेत्र, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो क्षेत्र उस मतलब एरिया कम हो जाएगा, लोग भी कम आएंगे, भीड़ कम होगी, और आप नकद दे देंगे तो लोगों के हाथ में कुछ ना कुछ वो पैसा आ जाएगा। तो नकद दोनों की जरूरत है। सबसे पहला कदम आप खाद्य जो आपने गेहूं अनाज दूसरा अनाज लेके बिल्कुल छोड़ ही नहीं रहे हैं, समझ नहीं आ रही, उनके लिए खुद के लिए संकट हुआ है कि हम इसको स्टोर का करें, भंडारण की बहुत दिक्कत हो रही है, फिर भी सरकार राज्यों को मुफ्त में नहीं दे रही है, कह रही है आपको चाहिए आप बेशक लीजिए, लेकिन आप इसके लिए इकोनॉमिक कॉस्ट दीजिए जो 25 से 35 रुपए के लगभग है। देखिए, भारतवर्ष आज नहीं, काफी साल से अमीर और गरीब के बीच जो दुराई था वो बढ़ रहा, पहले भी था आज भी है। अब ये संकट के बाद और भी बढ़ने का एक संभावना है। फिर भी लोग कहते हैं भारतवर्ष में कभी क्रांति नहीं हुई है, जैसे फ्रांस में हुई थी, रूस में हुई थी, चीन में हुई थी। तो अगर आप यह खाद्यान्न का लेके ये दंगा आप नहीं चाहते, मारपीट नहीं चाहते, सरकार को क्या करना चाहिए, केंद्र सरकार को क्या करना चाहिए, राज्य सरकार को क्या करना चाहिए? आप ये एक तरह से आपका ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे, आप जरा पूरा जो छवि है हम सामने क्या देख रहे हैं आने वाले महीनों में, क्या करना चाहिए सरकार को, क्या करना चाहिए केंद्र सरकार को, क्या करना चाहिए और राज्य सरकार को क्या करना चाहिए? मैं दोबारा यही सवाल घूम फिर के आपको दोबारा पूछ रहा हूँ। देखिए, करने के लिए तो बहुत कुछ है। मेरा काम जो है वो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं और खासकर उसमें भी ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उस पर, मेरे हिसाब से सबसे पहले खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार के पास जो अभी खाद्यान्न है वो मेरे ख्याल से 10 बार बोलना पड़े तो मैं 10 बार बोलूंगी, चाहे लोग बोले ये एक ही बात बोलती रहती है, क्योंकि 3.5 गुना अभी पड़ा है और अभी उनको गेहूं की खरीद शुरू करनी है और दूसरी ओर लोग बिल्कुल भूख की कगार पे हैं। और आप हमारे जैसे लोगों के लिए ये समझना बहुत मुश्किल है कि अगर आपके खाते में 100 रुपए भी ना हो, हाँ, और आपके घर में दो रोज आप कमा के खाते हैं, 2-4 दिन का शायद आपके पास राशन पड़ा हुआ हो, तो आपको किस तरह की टेंशन होगी। उस तरह की स्थिति में बहुत सारे लोग हैं। अगर आप वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स देखें तो भारत में 75% जो एम्प्लॉयड है उनका एम्प्लॉयमेंट को वल्नरेबल क्लासिफाई किया गया है। केवल 17% हमारे देश में है जो नौकरी शुदा है, हाँ, 1/3 दिहाड़ी मजदूर है। तो वो जो वर्ग है वो आज तक भारत में बहुत इंडिया में बहुत कम लोगों को दिखता था। अब जो बंदी हुई, लॉकडाउन हुआ, उस समय कुछ उनका उसका नजारा लोगों को दिखाई देने लगा और उनको समझ आने लगी कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना पीछे तक जाता है, कितने ही लोग हैं
जो हमारी तरह नहीं है, जिनकी जिंदगी बहुत दुभर है, तो सबसे पहले ये। दूसरा, नकद हस्तांतरण के लिए एक तो बजट बहुत ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। जो अनाउंसमेंट हुआ उसमें कहा गया 1.7 लाख करोड़, वो तो हमारे जीडीपी, हमारे जो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 1% भी नहीं है। अमेरिका में आप कह रहे 20%, और ये एक्चुअली वो बड़ा हिस्सा आपका एग्जिस्टिंग स्कीम्स में है, जो अभी बजटरी स्कीम्स में। बिल्कुल, तो अगर एक्चुअली देखें तो वो 1 लाख करोड़ के आसपास था, और वो जीडीपी का 0.5% है, 1% का आधा। तो इसमें और कुछ करने की बहुत गुंजाइश है। काफी लोगों ने कहा है कि आप क्यों ये जो 25,000 करोड़ का सेंट्रल विस्ता वाला प्रोजेक्ट है, इस तरह के फिजूल खर्ची इस समय में, वैसे भी करना ठीक बात नहीं है और इस समय में उसको करना और भी अजीब लग रहा है, उसको रद्द कर दीजिए और वही पैसा उस तरह की जो खर्चे हैं हमारे देश में, सिर्फ उसकी बात नहीं है और भी इस तरह के खर्चे हैं, उस सब को इन चीजों में डाइवर्ट किया जाए। एक बात और बहुत जरूरी है जो कहने लायक है कि हम जो डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट कहलाते हैं, हम लोग बोल बोल के, मतलब मेरे से भी पहले जो डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट थे, पता नहीं कितनी 20 साल से बोल रहे हैं कि स्वास्थ्य पे भारत में जो सरकारी खर्च है वो बहुत कम है। अगर आप देखिए फ्रांस या इंग्लैंड या जर्मनी जैसे जो देश है, वो जीडीपी का 8-10% स्वास्थ्य पे खर्च करते हैं, तब जाके उनकी अभी भी इतनी मुश्किल स्थिति में वो लोग हैं। हमारा देश है जो जीडीपी का केवल 1%, वो भी मुश्किल से, स्वास्थ्य पे खर्च करता है, और चूंकि हमारी आमदनी भी कम है, हमारा जीडीपी भी कम है, तो प्रति व्यक्ति वो खर्च बहुत कम है, और हमारी जो जो हमारी आबादी है वो कुपोषित भी है, तो यहाँ पे उल्टा और जरूरत है बढ़ाने की। तो ये जो हमने गलती की है वो आज की बात नहीं है, मेरे ख्याल से वो 1947 से हमारी एक बहुत बड़ी भूल रही है, और इसको आज ठीक करने का एक मौका है। अगर आप इतिहास में देखें, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई उसने बहुत सारे देशों को बिल्कुल नष्ट कर दिया, लेकिन वो एक मौका भी बना कि उन्हीं देशों में सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था बैठाई गई। इंग्लैंड में आप देखें तो नेशनल हेल्थ सर्विस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आई, और वो कैसे आई, वहां पर लॉर्ड बेवन ने जो सारे निजी स्वास्थ्य डॉक्टर्स थे उन सब के साथ बहुत मुश्किल से 2-4 साल उनको नेगोशिएशन करना पड़ा, बहुत मुश्किल रहा, लेकिन अंत में पूरा जो व्यवस्था थी स्वास्थ्य की व्यवस्था वो निजी क्षेत्र से सरकारी क्षेत्र में आ गई, और आज सारी दुनिया में हम एनएचएस को एक मॉडल के रूप में समझते हैं, हालांकि वहां पे भी प्रॉब्लम्स हैं। तो एक शायद कोरोना वायरस जो है हमारे देश में, हम ये समझें कि आयुष्मान भारत या उससे पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जो थी, इस तरह की बीमा योजना से काम नहीं चलेगा। हमें जो प्राइमरी लेवल है उस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक आखिरी सेंटेंस है कि बीमा देना मतलब ये कि आज मेरा घाव है तो मैं उस पे पट्टी नहीं करूंगा, जब आपका ये घाव गैंग्रेनस हो जाए और आपको हाथ काटने की जरूरत आए, तब ये इंश्योरेंस वाले आएंगे और आपकी मदद करेंगे और पैसा देंगे। तो इससे क्या होता है, स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत महंगी हो जाती है। तो अगर हम स्टिच इन टाइम सेव्स नहीं, ये वही बात है। देखिए, आपने 40 का दशक के उल्लेख किया आपने, हाँ, ग्रेट बंगाल फैमिन के उल्लेख आपने नहीं किया, आपने दूसरी विश्व युद्ध का आपने उल्लेख किया, भारतवर्ष का विभाजन भी हुई थी उसी समय। तो एक तरह से बहुत लोग कह रहे हैं हम लोग वापस चले गए, 75 साल पीछे चले गए हम लोग, हम 80 साल पीछे चले गए। तो ये जो हमारे जो क्राइसिस है, ये सचमुच एक मौका मिलेगा, एक अपॉर्चुनिटी सचमुच हमें मिलेगा कि नहीं, आप क्या देख रहे हैं? बहुत ये जो आपके बात सुन रहे हैं, जो ग्रामीण इलाका में है, जो गरीब लोग हैं, जो असंगठित है, जो कमजोर है, क्या भविष्य आप देख रहे हैं? आप आशावादी हैं या आप देख रहे हैं इनके सामने जो भविष्य अंधकार है, कि आप जैसे अर्थशास्त्री आज ने बहुत सालों से सरकार को सलाह दे रहे हैं, मगर आपका सलाह तो सरकार तो सुना भी नहीं, तो आज क्या लग रहा है? इस संकट में
आप जैसे व्यक्ति जो सलाह दे रहे सरकार मानेंगे या नहीं मानेंगे? नहीं देखिए मैं आशावादी हूँ, मुझे दोस्त मेरे दोस्त हैं एक, उन्होंने कहा आपको मुझे उम्मीद की बीमारी है कि चाहे कुछ हो जाए फिर भी मुझे लगता है कि नहीं अभी भी उम्मीद हमें कायम रखनी चाहिए। मैं जरूर मानती हूँ कि हम सब को कि सरकार को हमारी बात मानना जरूरी है, मेरी बात नहीं, लेकिन जो लोग हैं जो आम नागरिक है उन सबकी बात मानना बहुत जरूरी है। और अगर सब बोलेंगे, निराशावादी नहीं होंगे, थक के बैठ नहीं जाएंगे तो जरूर बदलाव आएगा। तो मेरे ख्याल से बोलना बहुत जरूरी है, ये सिर्फ अर्थशास्त्रियों का सवाल नहीं है, हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। अगर आप लोकतंत्र में रहते हैं तो आप अपने आप को इन मामलों के बारे में एजुकेट कीजिए, और ये नहीं कि बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दे, लेकिन आप अपने आप को शिक्षित कीजिए कि हम किस दुनिया में किस तरह के समाज में रह रहे हैं। और जो हमारी एक तो जिम्मेदारी भी है तो उसको निभाना बहुत जरूरी है। सरकार सुनेगी कि नहीं ये ऑब्वियसली मेरे लिए कहना मुश्किल है, लेकिन हमारा फर्ज है कि हम उनको तर्क दें कि क्यों ये रास्ता सही है, क्यों दूसरे रास्ते सही नहीं है, इस तरह का रास्ता अपनाने के लिए कितनी आपको जरूरत पड़ेगी, कितने रिसोर्सेस की जरूरत पड़ेगी। और अगर हम तर्क से बात करेंगे तो हम हमेशा उम्मीद रखते हैं कि कभी ना कभी तर्क की जीत होगी। धन्यवाद धन्यवाद ऋतिका जी, आपने आपका कीमती समय हमें दिया, और समय बताएंगे कि आप जैसे अर्थशास्त्री हैं, आप भी आम नागरिक हैं, हम सब नागरिक हैं, तो सरकार जैसे आप सलाह दे रहे हैं सरकार क्या करेंगे नहीं करेंगे ये समय बताएंगे। और धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग न्यूज क्लिक, आप लोग देखते रहिए न्यूज क्लिक।